हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं। चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। जैसे कि ये सवाल लिखा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए, आपके पास ये सवाल दिया हुआ है। इस प्रकार से अगर आपके पास सवाल दे रखे हैं, ये आपका देखिए हम इसका मानक रूप से तुलना करते हैं तो अपने पास देखिए ये ए है बराबर 3 है या बी -5 है, सी 2 है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक को भाग देंगे। पहला स्टेप अपना यही होगा, यानी कि 3x² -5x +2 = 0। इसमें 3 का भाग दे दीजिए आप सब में, इधर भी आप 3 का भाग दे दीजिए। तो ये अपने पास हो गया x² -5/3x +2/3 = 0। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्थिर राशि है इसको आप पक्षांतर कर दिए x² -5/3x और यहाँ पे आप बराबर लिखिए, थोड़ा जगह छोड़िए और यहाँ ये जो प्लस की संख्या है आपकी ये वाली, इस तरह पक्षांतरण करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है। यहाँ आपका प्लस है चाहे माइनस है, लेकिन यहाँ आपको प्लस ही लगाना है। और यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ जैसे अपने पास 5/3 है, इसका आधा 5/3 का आधा जो हम करते हैं वो आपका होता है 1/2 से गुणा करना या भाग करने का मतलब ही, आपका आधा का मतलब ये होता है 3/2। इसी को हम इस रूप में लिखते हैं, इसका मतलब हो गया 5/6। यानी कि आप यहाँ पर 5/6 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे और इधर भी 5/6 लिखकर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपके पास देखिए यहाँ पर एक सवाल जो सूत्र है आपका a² - 2ab + b² = a - b² ये वाला सूत्र लग गया आपका। इस सूत्र के आधार पर इसको इस प्रकार से लिखना है, x माइनस यहाँ पे अपना क्या 5/6, आपको सीधा कुछ नहीं देखना, इसका आधा यहाँ लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया, इसी चीज को इधर भी जोड़ा, समीकरण में कोई बदलाव नहीं आया। अब हमें यहाँ पर x है, x लिखा, फिर अपने को सीधा माइनस लगा के ये 5/6 लिखना है, ये 5/6 का होल स्क्वायर करना है और = अपने पास देखिए ये -2/3 है, -2/3 +5 का वर्ग 25 होता है, ये हमने 25 लिख दिया और 6 का वर्ग आपका 36 होता है, ये 36 लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं, इधर अपना ये 36 आएगा, 3 का भाग इसमें देंगे 12 आएगा, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो -24 प्लस आपके पास 36 का भाग 36 में एक बार गया, 25 से गुणा किया 25 आ गया। इस प्रकार से x -5/6 जो है, ये जो स्क्वायर है वो इधर, ये स्क्वायर इधर है अपना, इधर अपने पास बच गया 1/36 और इधर अपने पास x -5/6 जो ये स्क्वायर है वो इधर जाके वर्गमूल में बदल जाएगा। और जैसे ही वर्गमूल में बदलता है आपका x -5 और इसका मतलब होता है 1 का वर्गमूल 1 होता है और 36 का वर्गमूल होता है 6 प्लस और माइनस दो चीजें, वर्गमूल में से जगह अगर संख्या निकलती है उसके आगे प्लस और माइनस दो चीज लगती है। अब हम इसको एक बार प्लस मान लेते हैं, इसको मैंने जैसे एक से माइनस ये है आपका जो -5/6 है उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस मान रहे 1/6 को और ये इधर आएगा तो प्लस का 5/6 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 6 और ये 5 और जो कि दोनों की समान है तो ये 1 + 5 = 6/6 = 1, यानी एक्स का एक मान आ गया आपके पास 1। दूसरा मान जो है आपका देखिए अपना x बराबर ये माइनस में लेना है, प्लस हमने यहाँ ले लिया,
यहाँ माइनस एक बटा छह, प्लस ये जो माइनस की संख्या है इधर आगे प्लस की हो गई पांच बटा छह। इस प्रकार लघुतम छह आएगा, माइनस एक प्लस पांच बराबर चार बटा छह, दो तीन, एक्स का मान आपका दो बटा तीन। इस प्रकार एक्स का जो मान है एक तो एक आ गया, दूसरा दो बटा तीन। एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स माइनस दो इज इक्वल टू जीरो। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पांच से पूरी समीकरण को भाग देंगे। पांच एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स माइनस दो इज इक्वल टू जीरो बटा पांच बटा पांच बटा पांच और इधर भी बटा पांच। तो अपने पास इधर हो गया पांच से पांच कट गया एक्स स्क्वायर माइनस छ बटा पांच एक्स और माइनस दो बटा पांच इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस छ बटा पांच एक्स इधर बराबर लिखा और इस चीज को हम उधर पक्षांतर करेंगे, ये माइनस है इधर आगे प्लस में दो बटा पांच हो जाएगी। यहां पे हमें एक संख्या जोड़नी है, जोड़ने क्या है, ये जो छह बटा पांच है उसका आधा हमें जोड़ना, छह बटा पांच आधा यानी भाजक दो, इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं एक बटा दो से गुणा कर लेंगे तो अपने पास छह बटा दस हो जाएगा। अब हम इसमें यहां पे जोड़ लेते हैं छह बटा दस का होल स्क्वायर प्लस छह बटा दस का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ लिया हमने। अब यहां पर देखिए सूत्र जो मैंने पहले सवाल में बताया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है, इसको ही हमें काम में लेना है। और यहां पर देखिए अपने को क्या करना है, यहां पर जैसे एक्स है एक्स लिखेंगे, यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर जो छह बटा दस है वो जैसी है वैसी की वैसी ही आप लिख देंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो गया दो बटा पांच प्लस छत्तीस बटा सौ, यानी कि ये आपका छह का वर्ग छत्तीस हो गया और दस का वर्ग आपका जो है। तो क्या करते हैं इसका गुणनखंड लघुत्तम ले लेते हैं इधर, तो ये अपने पास सौ आएगा, ठीक है ना, पांच का भाग दिया बीस, बीस को आपने दो से गुणा किया चालीस प्लस सौ का सौ में भाग दिया एक बार छत्तीस, और इस प्रकार से एक्स माइनस छह बटा दस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो गया, यह हो गया अपने पास छह छहत्तर बटा सौ, ठीक है ना। और इसको हम काट भी सकते हैं या लघुगम हम ले भी सकते हैं, यहां एक्स माइनस छह रूट छिहत्तर बटा सौ अपने पास, इसमें से अपने पास क्या छिहत्तर हो जाएगा ये 76 रूट में, और नीचे अपने पास बाहर आ जाएगा 10, और इसको हम उधर पक्षांतरण करते हैं प्लस माइनस छिहत्तर बटा 10 प्लस ये माइनस क्या है उधर आ गया आपके पास प्लस का हो जाएगा बटा 10 हो जाएगा। अब हम इसके एक बार प्लस में लेते हैं एक बार माइनस में लेते हैं, तो छिहत्तर बटा 10 प्लस 6 बटा 10 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, देखो 10 इसका सेम है दोनों का हर, तो अपने पास 6 प्लस क्यों प्लस लिया है ये 76। अब इसमें से आप दो बाहर भी ले सकते हैं, वो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो 19 इसका गुणनखंड करेंगे तो अपने पास आएगा प्लस इसको दो इंटू एक्स का मान है ये दो इंटू तीन प्लस अंडर रूट में लिखेंगे अपन दो इंटू 19, ठीक है बटा आपके पास 10 है, इसका मतलब हो गया आपके पास ये प्लस और माइनस भी लगा सकते हैं आप, माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ अपने पास दो इसके दो बार जाएगा दो यहाँ से बार जाएगा तो एक्स बराबर दो तीन प्लस अंडर रूट 19 बटा पाँच, दो से दो कट गया अपना, अपने पास एक्स का मान मिल गया तीन प्लस अंडर दी रूट 19 बटा पांच, और दूसरा मान है एक्स माइनस 19 बटा पांच। इस प्रकार से अपना आंसर हो गया चार एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस पांच इक्वल टू जीरो।
हमें सबसे पहले इस सवाल में इसका गुणांक 4 है, इससे पूरी समीकरण को भाग देते हैं, बटा 4 बटा 4 बटा 4 इज इक्वल टू 0 बटा 4। इस प्रकार से अपने पास इधर बच गया एक्स स्क्वायर, इधर अपने पास 3 बटा 4 एक्स और ये 5 बटा 4 इज इक्वल टू 0। हम उसको उधर पक्षांतरण कर देते, ये जितने संख्या है उसको हम पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर प्लस की है, इधर जाके माइनस हो जाएगी। अब हमें इसका आधा यानी 3 बटा 4 का आधा का मतलब होता है 3 बटा 4, इसका आधा का मतलब 1 बटा 2 से गुणा करना है। तो प्लस अपने पास 3 बटा, ये आपके पास 4 दूनी 8 है, दोनों पक्ष में जोड़ देंगे आप, इधर भी ये इसका वर्ग जोड़ेगी, 3 बटा 8 का वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ना है। अब अपने पास देखिए सूत्र जो बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र काम देंगे। देखो ए यह है, 2ab यह है, बी स्क्वायर ये है, तो अपने पास एक्स प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लिखेंगे, 3 बटा 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 बटा 4 प्लस 9, 3 का वर्ग 9 होता है, 8 का वर्ग आपके पास 64 होता है, हमने 64 लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं आगे, तो अपने पास देखिए एक्स प्लस 3 बटा 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका लघुतम ले लेते हैं, ये आपके पास 4 64 का लघुतम 64 आएगा, और 4 का भाग 64 में देते हैं 16, और 16 को 5 से गुणा करते हैं तो माइनस के 16 पंजे 80 प्लस आपके पास 64 का भाग 64 में एक बार देता है और इसको 9 से गुणा करते हैं, अपने पास ये आ गया। इसके बाद देखिए हम इसका एक्स प्लस 3 बटा का स्क्वायर, ये अपने पास माइनस 71 बटा 64। एक चीज ध्यान रखिए साथियों, अगर आपके पास यहां तक करने के बाद ये जो संख्या है ऋणात्मक आती है, ऋणात्मक है, तब इसके मूल, इसके बाद इसके मूल जो काल्पनिक होते हैं और वो हमें आगे ज्ञात नहीं करते हैं, सवाल को यहां लिख के इसके मूल काल्पनिक है और यही अपने को सवाल को बंद कर देना है। सवाल है 4x² + 4√3x + 3 = 0, हमें इसके गुणांक से पूरी समीकरण को भाग दे देंगे, अपने पास एक्स स्क्वायर बच गया प्लस रूट तीन बच गया, एक्स बच गया प्लस 3 बटा 4 इज इक्वल टू 0। हम इसको उधर पक्षांतरण करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स इज इक्वल टू, ये जो आपका प्लस है इधर आगे 3 बटा 4 माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस आपका इसका आधा करना है, रूट 3 बटा 2 का 2 है का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ना है और रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ना है। अब इसके बाद देखिए इनको जोड़ते हैं, अपने पास ये तो हो गया सूत्र के द्वारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, इससे अपना ये तो हो गया एक्स प्लस आपका रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास बटा 4 प्लस रूट करते हैं तो अपने पास 3 और 2 का वर्ग 4। इस प्रकार से अपने पास देखिए इधर तो हो गया अपने पास एक्स प्लस रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास इधर लघुतम ले जाएंगे अपने पास इसका 4 आएगा, समान है माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू अपने पास 0 हो गया, माइनस 3 में 3 दे अपने पास इधर एक्स प्लस रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस अंडर द रूट 3 बटा 2 इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई गया एक्स बराबर माइनस रूट 3 बटा 2। अब चूंकि यहां पर बराबर 0 आ गया है, इसका मतलब होता है कि मूल इसके समान है और दोनों ही मूल अपने पास क्या आएगा माइनस, क्योंकि घात 2 है यहाँ पे, इसलिए ये घात 2 है इसलिए मूल 2 होने चाहिए, यहाँ 0 आ गया, मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे जो कि मूल ये है।
दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, इसमें गुणांक है, इसे हम भाग देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक्स बटा दो हो जाएगा, यहाँ दो का भाग देंगे अपने पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा दो, यहाँ दो भी लिख देते हैं, चलो दो लिख देते हैं, दो से दो कट जाएगा, यहाँ दो एक दो, दो दूनी चार, माइनस के दो बचे इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको पक्षांतरण करते हैं, ये माइनस की है तो यहाँ आके प्लस की हो जाएगी, यहाँ एक बटा दो है उसका आधा करना है, यानी एक बटा दो इंटू एक बटा दो आधा, यानी एक बटा चार, यहाँ पे हमें एक बटा चार दोनों पक्ष में जोड़ना है, दोनों एक बटा चार का वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। अब हमने इसको जोड़ा अपने पास, तो इधर हो गया एक्स प्लस एक बटा चार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास दो प्लस एक बटा एक का वर्ग एक, चार का वर्ग 16 होता है। ये इस सूत्र के द्वारा किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हमने यहाँ पे लगाया। अब अपने पास देखिए, यहाँ पर इसकी बात करते हैं, अपने पास एक्स प्लस एक बटा चार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो गया। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, एक और 16 का लघुगणक लेते हैं, अपने पास 16 आएगा, एक का भाग 16 में दिया 16 आया, 16 को 2 से गुणा किया 16 दूना 32, प्लस लगाया बीच में प्लस है, 16 का भाग 16 में एक बार, एक को एक से गुणा किया एक, इस प्रकार 35 बटा 16। ठीक है, अब अपने पास हो गया एक्स प्लस एक बटा चार का होल बराबर, ये अपने पास अंडर द रूट 33/16, यानी ये वर्ग था उधर जाके वर्गमूल में परिवर्तित हो गया। अब ये जो ऊपर 33 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है, दशमलव में आता है, इसको हिस्सा विसर्जन कहेंगे, और 16 का वर्गमूल जो आपके पास 4 होता है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, एक्स बराबर अपने पास रहेगा, ये आपके पास ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा, प्लस और माइनस दोनों की वर्गमूल में जो संख्या निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों ही होती है। अब हम इसको पक्षांतरण करते हैं, ये प्लस की संख्या है, 1/4 होगी, प्लस माइनस अंडर द रूट 35/4, यानी कि माइनस एक प्लस माइनस अंडर द रूट 35/4, ये आपके आंसर होगी, ये दो आपके मूल है, एक बार यहाँ प्लस आएगा दूसरी बार आपका माइनस आएगा। प्रश्न 2x² प्लस एक्स प्लस चार इज इक्वल टू जीरो, हम इसको पूरे समीकरण को दो से भाग दे देते हैं, दो से दो कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स बटा दो प्लस दो इज इक्वल टू जीरो, आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा दो ये इज इक्वल टू, ये इधर पक्षांतर गए तो माइनस के दो आ गए। अब ये 1/2 है, ये इसका आधा है, 1/2 से गुणा कर लेते हैं, 1/4 हो गया, 1/4 का वर्ग दोनों ही पक्ष में जोड़ना है, तो इधर हो गया अपने पास एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इधर हो गया अपने पास इसका माइनस दो प्लस 1/16, एक का वर्ग एक, चार का वर्ग 16 हो गया, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर अपने पास लघुत्तम लेंगे 16 आएंगे, इसके नीचे एक मान लेते, एक बार 16 में दिया 16 बार 16 को 2 से गुणा किया माइनस का 32 प्लस एक बराबर माइनस 31/16, यानी एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 31/16। मैंने आपको पहले भी बताया था सवाल में, इधर अगर संख्या माइनस की आ जाती है तो इसके माइनस की आ गई तो इसके मूल काल्पनिक है और इसको हमें आगे हल नहीं करना है, यहाँ लिख देना इसके मूल काल्पनिक है। 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू जीरो, आपको ये संख्या देके डरना नहीं है, बहुत ही आसान, जैसे हम करते आ रहे वैसे ही करेंगे, समीकरण को पूरी को 4 से आप भाग दे दो, कुछ भी नहीं करना, 4 से भाग दे देंगे तो अपने पास जो है इधर 4 से 4 कट गया, अपने पास x² बच गया, इधर 4 से 4 कट गया, अपने पास dx हो गया, और माइनस a² माइनस b² / 4 आपके पास इज इक्वल टू जीरो हो गया।
अब हम इसको पक्षांतरण करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर लगाया, ये इधर माइनस है, इधर आगे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा चार प्लस में आ जाएगा ये। अब हमें इसका आधा करना है, बी इंटू एक बटा दो यानी बी बटा दो, जो हमें इसका वर्ग करना बी बटा दो का होल स्क्वायर, दोनों ही पक्ष में जोड़ना है, वर्ग का जोड़ करना है। इस प्रकार से अपने पास इधर तो हो जाएगा अपने पास एक्स प्लस बी बटा दो का होल स्क्वायर, इधर अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा चार, और प्लस इसका जो वर्ग करता है बी स्क्वायर हो जाता है, और अपने पास दो का वर्ग आपके पास चार आ जाएगा। इसको हम आगे लिखते हैं, ये लघुत्तम लेते हैं चार, तो अपने पास सेम संख्या है, लघुत्तम दोनों जगह हर बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, इस प्रकार से बी से बी तो कट गया, अपने पास ए स्क्वायर अपॉन फोर हो गया। इस प्रकार से अब हम आगे इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं कि एक्स प्लस बी बटा दो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा फोर, और ए एक्स प्लस बी बटा दो इज इक्वल टू आपके पास अंडर द रूट ए स्क्वायर बटा चार, प्लस और माइनस यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ प्लस और माइनस लगाया अपने पास ए बटा इसका वर्गमूल निकालें तो ए आएगा और चार का वर्गमूल दो आएगा। इस प्रकार अब हम इसको इस चीज को उधर पक्षांतरण करते हैं, अपने पास एक्स बराबर प्लस माइनस ए बटा दो माइनस बी बटा दो, अब इसको एक बार प्लस लेंगे तो अपने पास एक्स का मान रहेगा ए बटा दो माइनस बी बटा दो, यानी ए माइनस बी बटा दो हो गया। दूसरा इसको एक बार माइनस लेते हैं, माइनस ए बटा दो माइनस बी बटा दो, इसका मतलब हो गया माइनस ए प्लस बी बटा दो। इस प्रकार एक्स के दो मान हो गए, ए माइनस बी बटा दो, दूसरा माइनस आपका ए प्लस बी कोष्टक में बटा दो, ये आपके दो मूल हो गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।